हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं सक्सेस ड्रोन। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, जैसा कि आपको पता है कि पूजा पाठ का समय चल रहा है और हम घरों में पूजा पाठ के समय में अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती से फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा सुगंध निकलता है। तो हमने सोचा क्या कि चलो क्यों ना एक नया कुछ किया जाए। तो हमारे टीम मेंबर के दिमाग में एक आइडिया आया, क्या होगा अगर हम 1000 अगरबत्ती को एक साथ जला दें तो कितना ज्यादा फ्रेग्रेंस, कितना ज्यादा सुगंध आएगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारी टीम ने क्या किया है कि 1000 अगरबत्ती को लिया और 1000 अगरबत्ती को एक साथ असेंबल किया, एक साथ असेंबल करके उसको एक साथ जलाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करना पड़ा है, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद कहीं जाकर हम 1000 अगरबत्ती का जुगाड़ कर पाए हैं, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना भी हमें पड़ा है। तो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, कृपया आप इसको देखकर सिर्फ आनंद उठाएं, इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने का प्रयास घर पे ना करें, ज्यादातर छोटे बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को ना ही करें तो बेहतर होगा। तो चलिए आइए वीडियो को देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमने लिया यहाँ पर 1000 स्टिक, तो 1000 जो अगरबत्ती का स्टिक है इसको हमें एक साथ करना है। एक साथ करने के लिए हमारे पास है रस्सी, और रस्सी पे हमें इसको सिर्फ सिंपली यहाँ पे ऐसे हमने रखा और इसको इस तरह से रख दिया ताकि ये बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए हमें रस्सी का सहारा लेना ही पड़ेगा। चलिए अब अगरबत्ती में लगाते हैं आग और देखते हैं इसका क्या होता है भवंडर। फाइनली अभी आग जल रही है क्योंकि ये पूरी सारे अगरबत्ती में पकड़ी नहीं है, इसलिए हम इसे बुझा नहीं सकते हैं। तो जब टोटल 1000 अगरबत्ती में ये पकड़ जाएगी फिर जा करके हमें इसे आग को बुझा देंगे, फिर ये टोटल अगरबत्ती जो अगरबत्ती जैसे जलती है सिंपल, जैसे आप मंदिर में जलाते हो या फिर कोई भी पूजा स्थल पर जलाते हो तो वैसे सेम जलेगी। फिर वो देखेंगे कि 1000 अगरबत्ती कितने टाइम तक जलती है। तो अभी फाइनली अभी शाम भी नहीं हुआ है, अभी 4:30 या 4 के आसपास बज रही है और बाकी हम देखते हैं ये कितने घंटे तक जलते रहती है 1000 अगरबत्ती। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। तो फाइनली इससे ये पता चलता है कि आप जो है ना 1000 अगरबत्ती को, मतलब 1000 अगरबत्ती को आप जलाना चाहो ना एक साथ में, तो मिनिमम आपको जो है ना पूरा 12 घंटा से भी ज़्यादा जलेगा। और अगर आप इसको खोल दो ना तो ये 5 मिनट में ही जल के ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही मैंने इसको खोला, देखो मैं खोलता हूँ, जैसे मैं इसको खोला मतलब नीचे गिरा के मैं जैसे इसको देखो रख दिया, खोल दिया, आप देखो ये जलने में कितना मिनट लगेगा। देखिएगा जैसे अभी सारे का देखिए पूरा बचा हुआ ही है, मतलब सिर्फ ऊपर का ही कुछ हिस्सा जला है। और देखिए ये जलने में बहुत से मुश्किल ये 5 मिनट में जल के ख़त्म हो जाएगी, टोटली जल कर, क्योंकि आग देखिए आ गई है, खुलते के साथ आग आ गई। क्योंकि आग आने का रीज़न है कि इसको हवा जो है प्रचुर मात्रा में मिलने लग गया। पहले था कि वो बंधा हुआ था तो उसको जो सामने जो साइड में थी उसको हवा मिल रही थी, बाकी को हवा कम मिल रही थी इस कारण से, और साथ साथ उसका धुआं को भी मतलब उसी को झेलना पड़ रहा था जो बगल वाले थे, तो इसी कारण से वो जल नहीं रहे थे। और मतलब जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो दिख रहा था कि जल नहीं रहा है लेकिन वो एक्चुअली जल रहा था। जैसे ही मैंने खोला, देखिए खोलने के बाद सारे के सारे एकदम लाल लाल दिख रहे हैं और सारे के सारे जल रहे हैं। और जैसे ही मैंने पूरा खोल दिया, देखिए ये सारे में आग पकड़ना स्टार्ट हो गया। और ये मुश्किल से ये मतलब 1000 अगरबत्ती को आप खोल के जलाओगे तो 5 मिनट में ख़त्म, अगर उसे बांध करके जलाओगे तो वो जो है मिनिमम आपको 12 से 13 घंटा के आसपास जाके ख़त्म होगी। और धुआं तो भाई साहब धुआं धुआं है,
और इसकी सुगंध तो इतनी अच्छी लग रही है ना, ऐसे भी अगरबत्ती की सुगंध तो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे इतना धुआं हो रहा है, देखिए धुआं, मतलब आसपास के लोग हैं ना छत पे पूरा देखने आ गए कि आखिर हो क्या रहा है। तो हम भी अब इसे कंटिन्यू जल्दी से जला करके ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर आपको इसको दिखाएंगे कि ये मतलब 1000 अगरबत्ती को कितने घंटे तक जलती है। तो इसको हम जल्दी से जल्दी, अब इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं और इसको राख बनाते हैं। तो इसके लिए अब हम जो है इसमें माचिस मारने वाले हैं ताकि ये जल्दी से जले और ख़त्म हो जाए। बाकी माचिस मारने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसमें आग पकड़ रही है। 1000 अगरबत्ती को राख बनाना है ना, तो बस सिर्फ और सिर्फ वो कुछ नहीं करना है भाई, आग ऑटोमेटिक लगेगी। बाकी मैंने उसको जो माचिस बची हुई थी माचिस को मैंने डाल दिया। तो भाई साहब जल जाओ तुम भी, तुम गिरा के क्या करोगे। तो यहाँ पे जो है पूरी तरह से आग पकड़ चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको कुछ नहीं किया, बस उठा के ऐसे कर दिया, उठा के ऐसे जैसे ही मैंने किया, जैसे ही मैंने नीचे वाले को उठा के ऊपर कर रहा हूँ, देखिए तुरंत आग पकड़ रही है। तो ये फाइनली आप वीडियो को एंड करते हैं, और अभी तक चैनल पे बने हैं तो प्लीज़ चैनल फाइनली यहाँ पे हो चुका है पूरा अंधेरा। और इसी बीच हमारा जो अगरबत्ती पूरी तरह से जल के राख भी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा और बचा वो भी जल के ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तक आप इस चैनल पे बने हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो वो जा करके कमेंट में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में भी राय दे सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी राय दे सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक चाहिए। क्या आपको 2000 एसटी की वीडियो चाहिए, तो उसके लिए बारे में भी बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फाइनली यहाँ पे जो है आग को बुझाया जा रहा है पानी से, क्योंकि सारा काम हो चुका है। तो उसको बुझा के दाइन करते हैं।